तो ये है 11900 किलो हर्ट्ज पे शॉर्टवेव बैंड पे ये मैंने स्टेशन ट्यून किया हुआ है। श्रोता, अभी आपने सुना ये की और आज हम बाइबल पाठ में से सीख रहे थे कि यीशु मसीह ने कैसे 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया। हाँ श्रोता, यीशु मसीह हमारी हर जरूरत को जानता और कब वो जरूरत हमारे जीवन में पूरी होनी है। श्रोता, क्या आप इस यीशु मसीह के विषय में और जानना चाहते हैं? यदि हाँ तो हमसे पत्र संपर्क करना मत भूलिएगा। हम आपको इसके विषय में बहुत कुछ बताना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि आप भी यीशु मसीह को वैसे ही जानें जैसे हम जानते हैं। और मेरे ख्याल से ये 25 मीटर बैंड पे ही है ये फ्रीक्वेंसी, और स्टेशन कौन सा ये मुझे पता नहीं है, अभी इसको चेक करूँगा। और चूंकि मैं ऐसे ही रेंडमली मैं शॉर्टवेव स्टेशन ट्यून कर रहा था तो मुझे ये स्टेशन ट्यून हो गया और काफ़ी सही रिसेप्शन क्वालिटी आ रही है, सिग्नल काफ़ी शानदार है। और मेरे ख्याल से चाइना की सर्विस होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, फिर भी इसको कन्फर्म करेंगे। काश इसी तरह की स्ट्रॉन्ग सिग्नल वाले भारतीय स्टेशन आकाशवाणी के और भी मौजूद होते शॉर्टवेव पे तो कितना शानदार होता। और देखिए क्वालिटी कितनी एफएम वाली क्वालिटी आ रही है। और रेडियो का सही मज़ा इसी साउंड के साथ है, ना कि ज़्यादा ट्रैवल के साथ जो एफएम पे आजकल आते हैं। रेडियो का असली मज़ा जो पुराने गाने सुनने का है वो शॉर्टवेव और मीडियम वेव, जो शॉर्टवेव और मीडियम वेव पे जो साउंड क्वालिटी आती है उसी में मज़ा आता है। पर्सनली मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी हो सकता है जो न्यू जनरेशन के लोग होंगे उनको एफएम की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगती होगी, और अच्छी है भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मीडियम वेव और शॉर्टवेव पे अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ जाए तो जो सूदिंग वॉइस उसमें मिलती है वो मेरे ख्याल से एफएम पे पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारा फोन नंबर वही पुराना है, व्हाट्सएप करने के लिए लीजिए फिर से मिलाइए +91 98 68 102 616। अगले सप्ताह तक के लिए डॉली के साथ साथ रिच बियॉन्ड की पूरी टीम, GMTA की पूरी टीम और कार्यक्रम शब्द संगीत को बनाने वाले सभी दोस्तों की ओर से परमेश्वर आपको आशीष से जय लेट्स सी। देखते हैं कि कौन सा स्टेशन है, मेरे ख्याल से उद्घोषणा हो जाएगी। अपने विषय ते गलबात करने तो पहला पेश है एक गीत। और यहाँ पे ईसा मसीह के बारे में ज़्यादा बात की जा रही है, तो अगर मुझे इसका डिटेल्स मुझे मिल जाता कि ये कौन सा एक्चुअल में ये कौन सा स्टेशन है 11900 किलो हॉर्स पे 25 मीटर बैंड पे, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल्स अपडेट कर दूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं वेट करता हूँ इस पर कुछ उद्घोषणा हो जाए कि ये कौन सा स्टेशन है, या फिर मैं परविंदर जी के चैनल पे, जो परविंदर सर हैं उनका जो चैनल है उस पे शॉर्टवेव की 3 लिस्ट जारी की गई है, तो उनमें से मैं मैच कराने की कोशिश करूंगा कि कहीं ये वाला फ्रीक्वेंसी उसमें मेंशन हो तो अपडेट करूंगा मैं।
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।